दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले से 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। बताया गया है कि सिसोदिया सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई कार्यवाही विधिसम्मत जान पड़ती है। इसके साथ आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पूर्व में सामने आए तथ्यों और अब सीबीआई द्वारा जानबूझकर लीक कराए गए सबूतों से प्रथम दृष्टया मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई कार्यवाही विधिसम्मत जान पड़ती है, किंतु सवाल बस यही है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल के नेता और सत्ता के विरोधी क्यों नजर आते हैं और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है।